हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द इंट्रोडक्शन द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मेन एम इज टू मिनिमाइज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द स्टोरेज जो मेन एम होना चाहिए फिश प्रिजर्वेशन का वो ये होना चाहिए कि जो ग्रोथ है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो ग्रोथ बेसिकली मिनिमाइज होनी चाहिए कम होनी चाहिए जहाँ पे भी हम फिश को प्रिजर्व करें सेकेंड पॉइंट इज दैट फिश पेरिशेबल इन नेचर लोकल ग्लट इन गुड सीजन डिस्टेंस ऑफ फार्म फ्रॉम मार्केट लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रिजर्वेशन नेरी कीपिंग फिश प्रेस फॉर लॉन्ग विथ मिनिमम लॉस ऑफ फ्लेवर टेस्ट न्यूट्रिटिव एंड डाइजेस्टिव वैल्यू सो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक नेक्स्ट है आपका जो चीज़ें हमें समझनी है वो ये है कि कॉम्पोजिशन फिस का क्या होता है ओके okay? उसके बाद है वाई फिश इज पेरिशेबल एंड मेन टॉपिक हमारा मैथड एंड प्रिजर्वेशन है फिश का पहले देख लेते हैं कि वॉट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ फिश अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन जो है जो फिश के अंदर मॉइस्चर होती है वो सिक्सटी टू एटी परसेंट होती है क्रूड प्रोटीन एटीन टू ट्वेंटी परसेंट क्रूड फैट जीरो पॉइंट फाइव टू नाइनटीन परसेंट एंड मिनरल्स जो पाए जाते हैं फिश में जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव परसेंट माइनर कॉम्पोनेंट जो होते हैं ग्लाइकोजन होता है फिश के अंदर शुगर पाया जाता है शुगर फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड होता है विटामिन होता है कोलेस्ट्रॉल होता है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एंड अदर पिगमेंट्स नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टेंट्स भी पाए जाते हैं एंजाइन हार्मोन्स और स्टेरॉल्स जैसे जो कि लिपिड हो गए वो लिपिड्स हार्मोन्स एंजाइम के साथ साथ भी वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं फिश के अंदर तो ये रहा हमारा फिश का कॉम्पोजिशन अब हम देखते हैं वॉट मेक फिश डिफरेंट फिश को आखिर हम इतना अलग क्यों मानते हैं वी नो दैट कि फिश एक तरह से कम्पलीट फूड के अंदर भी आ सकता है बिकॉज अगर हम फिश का इंटेक करते हैं तो बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन विटामिन इन सारी चीज़ों की जो हमारी बॉडी में कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है सो फर्स्ट पॉइंट है क्या डिफरेंट बनाता है फिश को तो फिश के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड पाया जाता है उसके साथ साथ वेरिएशन देखने को मिलता है लिपिड के कंटेंट में फिश के अंदर हाईली अन फैटी एसिड होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में एक जो एक तरीके से बहुत बेस्ट एसिड माना जाता है फैट के लिए जो लोग पतले होते हैं उनको हम कहते हैं फिश का इंटेक करिए उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बेसिकली बहुत लीवर की प्रॉब्लम इससे बचा जा सकता है एंड लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पाया जाता है नाउ रीजन फॉर स्पॉयलेज किन किन तरीकों से क्या होगा तो आपका फिश खराब हो सकता है अगर हम उसका ढंग से प्रिजर्वेशन नहीं करते हैं तो पहला है हाई अमाउंट ऑफ ट्राई मिथाई अमाइन ऑक्साइड लिपिड विथ हाई अनसेचुरेशन प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लो पोस्टमार्टम पी एच बैक्टीरियल डिग्रेडेशन नाउ लास्ट टॉपिक है आपका प्रिजर्वेशन टेक्निक हम किस तरीके से फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं क्योरिंग कर सकते हैं जिसमें हम उसको या तो सॉल्टिंग कर दे नमक लगा के रख सकते हैं ड्राई करके रख सकते हैं स्मोकिंग करके चिलिंग कर सकते हैं फ्रीजिंग कर सकते हैं मॉडिफाइड एटमोस्फेयरिक पैकेजिंग करते हैं कैनिंग करते हैं इरेडिएशन करते हैं बॉइलिंग फर्मेंटेशन मैरिनेशन, फ्रीज ड्राइंग ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हम जो है फिश को प्रिजर्व करके रख सकते हैं नाउ प्रिंसिपल क्या है प्रिजर्वेशन के प्रिजर्व वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कीप सेफ रिटेन क्वालिटी जो फिश की क्वालिटी है बिल्कुल तरो ताजा वैसे ही प्रिजर्व करके रखने को हम प्रिजर्वेशन कहते हैं सिंस फिश इज वेरी पेरिशेबल इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व फिश इफ नॉट कंज्यूम्ड और डिस्पोज इमीडिएटली ओके नेक्स्ट है फिश प्रिजर्वेशन इज द मैथड ऑफ एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फिश एंड अदर फिशरी प्रोडक्ट बाई अपलाइंग द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री इंजीनियरिंग एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नेक्स्ट है चिलिंग हमने अभी बताया कि चिलिंग का मतलब है कि हम उसको बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे लाइक like, जो बर्फ है वह, वैसे टेम्परेचर पे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीज कर सकते हैं फ्रीजिंग वाले जगह पे जीरो लेवल के टेम्परेचर पे रखेंगे क्यूरिंग कर सकते हैं क्यूरिंग का मतलब है ड्राई करेंगे या उसको ऑस्मोसिस के थ्रू सॉल्टिंग करेंगे उसके बाद से हम उसको स्मोकिंग कुछ फेनॉल के जो स्मोक होते हैं उनके अंदर भी हम उसको रख सकते हैं नेक्स्ट है मैप मैप बाई क्रिएटिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट विथ चेंजिंग गैसेज एनवायरमेंट इरेडिएशन by डैमेजिंग डीएनए एंड टिश्यू सेल by यूज ऑफ रेडिएशन नेक्स्ट है कैनिंग एंड retort पाउच पैकेजिंग by applying हाई अमाउंट ऑफ हीट उसके बाद है आपका मैरिनेटिंग by लोअरिंग पीएच by यूज ऑफ एसिड एंड salt, बॉइलिंग marination, फ्रीज ड्राइंग सो these आर द the method. जिसकी वजह से हम फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक थैंक यू सो मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल